की कि जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है घबराहट के कारण। कई बार पेपर देखकर कई बच्चे घबरा भी जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बड़ा हार्ड है ऐसा सोचते हैं, तो उस कारण मानसिक संतुलन घबराहट में बिखर जाता है, जो पढ़कर आए हैं वो भी भूल जाते हैं। तो डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च की कि अपनी जीभ को ऊपर तालों में लगा देने से मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है, ज्यादा घबराहट नहीं होती, और जो पढ़कर आए होंगे वो ठीक से याद आता जाएगा और हम अच्छा पेपर देकर अपना रिजल्ट अच्छा बना सकेंगे। चौथा नियम, विद्यार्थी स्मरण शक्ति याद शक्ति बढ़ाने के लिए कभी भी कुछ खाया तो मुंह साफ कर ले, मुंह जूठा ना रखें। जो मुंह जूठा रखते हैं ज्यादा देर तक उनकी विद्या चली जाती है, वे ज्यादा विद्यावान नहीं हो पाते हैं। पांचवा नियम, रात को जब सोएं तो कभी भी सीधे नहीं सोना चाहिए, पहले दो चार मिनट सीधे लेटकर आराम करो, फिर हमेशा बाई करवट लेकर सोया करो। बाई करवट लेकर सोएंगे तो रात को नींद में नाक के दाहिने नथुने से श्वास ज्यादा चलेगा। नाक के दाहिने नथुने को सूर्य स्वर कहते हैं, वो चलेगा तो जो कुछ खाकर हम सोए हैं वो ठीक से हजम होगा, नींद अच्छी आएगी। और पूर्व दिशा की ओर सिर करके ही सोए विद्यार्थी, विद्या बढ़ेगी। छठा नियम, विद्यार्थी ये ध्यान में रखें कि जितना हो सके फिल्म स्टोरियां, नॉवल कथाएं, उपन्यास, पिक्चर, पिक्चर के गाने, इनको महत्व मत दो। मैं तो कहूं एक एक्टर और क्रिकेटर को महत्व देना अपने आप की कब्र खोदने के समान है। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, स्पष्टोक्ति कर रहा हूं। ये अतिशयोक्ति नहीं है, स्पष्टोक्ति है। जिस विद्यार्थी को असाधारण प्रतिभा का धनी बनना हो, उस विद्यार्थी को चाहिए कि अपने जीवन में किसी एक्टर एक्ट्रेस को या क्रिकेटर को अपना आदर्श न बनाए। स्वामी विवेकानंद को उनके एक शिष्य ने पूछा कि हम महान बनने के लिए किसको अपना आदर्श बनाएं, तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक और एक मात्र श्री हनुमान जी को अपने जीवन का आदर्श बनाओ और उनके जैसा अपने जीवन में संयम, भक्ति और सेवा की भावना को लाओ तो तुम्हारा विकास होगा।